हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आपको मेकअप करना पसंद है और आप रीजनेबल प्राइस में बेस्ट प्रोडक्ट बाय करना चाहती हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं सुगर कॉस्मेटिक के टॉप 6 प्रोडक्ट, जिन्हें मुझे लगता है कि आपको ट्राई आउट जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको मेकअप प्रोडक्ट पसंद है। तो इसी से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं ये प्रोडक्ट जिन्हें मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी या मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। जहां तक रही बात मेकअप, स्किन केयर या हेयर केयर की, ये काफी सब्जेक्टिव होते हैं। जो आपको पसंद है हो सकता है मुझे ना पसंद आए, या जो मुझे पसंद है हो सकता है आपको ना पसंद आए। तो प्लीज इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं ये सभी पर्सनल मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि मैंने इन्हें ट्राई आउट किया है तो मुझे पता है कि हाँ ये प्रोडक्ट कैसे हैं या कैसा वर्क करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इन प्रोडक्ट को या इनमें से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो शुगर कॉस्मेटिक काफी पॉपुलर ब्रांड है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इजीली अवेलेबल है, तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट वे हो आप वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला प्रोडक्ट है शुगर कॉस्मेटिक का द मोस्ट एलिजिबलर करेक्टिंग प्राइमर, जिसमें 3 शेड आते हैं, पीच, ऑरेंज एंड ग्रीन। आप अपनी स्किन की कंसर्न के अकॉर्डिंग या फिर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शेड जो है वो सिलेक्ट कर सकती हैं। मैं जो शेड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है 01 पीच, जिसे आप एवरी डे में रेगुलर यूज कर सकते हैं। एक्चुअली स्पेशली तब जब आपके फेस पे बहुत ज्यादा रेडनेस ना हो, डार्क स्पॉट ना हो, हल्के फुल्की सी अगर आपको नीड हो तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं ये पीच कलर का कलर करेक्टर। एंड इसका जो प्राइस है वो है 799 रुपीज। एंड मेरी स्किन पे ना तो बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा रेडनेस की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे लिए ये इनफ है। बट अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा रेडनेस रहती है एंड आप कोई भी मेकअप करते हैं तो वो सही नहीं रहता है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकती हैं ग्रीन कलर। एंड वहीं पे अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, तो आप यूज़ कर सकती हैं ऑरेंज कलर करेक्टर। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है या उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शेड सेलेक्ट कर सकती हैं। बट मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही पसंद आया, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट कई सारे काम करता है आपकी स्किन पे। सबसे पहला तो ये है कि आपकी स्किन पे जो भी अनइवन स्किन है उसे करेक्ट करने का काम करता है। दूसरा, एज अ प्राइमर बहुत अच्छा काम करता है, आपकी स्किन को ब्लर आउट कर देता है, स्मूथ कैनवस में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद मेकअप जो है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, एप्लीकेशन काफी स्मूथ हो जाती है, आपके पोर्स को ब्लर कर देता है। तो मतलब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड सिंगल प्रोडक्ट में आपको कई प्रोडक्ट के बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए भी ये प्रोडक्ट जो है वो आपको ट्राई आउट जरूर करना चाहिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को ट्राई आउट नहीं किया है। तो आप बढ़ते हैं हमारे सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। तो सेकंड प्रोडक्ट है शुगर कॉस्मेटिक का कॉन्टोर दे फोर्स फेस पैलेट, एंड इसमें आई थिंक 3 या कई सारे शेड आते हैं। मेरे पास जो शेड है वो है 03 एंड इसका जो प्राइस है वो है 799 रुपीज। ये एक फेस पैलेट है जैसा कि ये क्लेम करता है, जिसमें आपको एक फुल साइज का मिरर मिल जाता है और आप अपना मेकअप जो है वो आसानी से कर सकती हैं। एंड इसमें आपको 3 शेड मिलते हैं, आपका कॉन्टोर या ब्रॉन्जिंग शेड, आपका ब्लश एंड आपका हाइलाइटर। तो आपको 3 अलग अलग प्रोडक्ट जो हैं वो बाय करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, एक सिंगल प्रोडक्ट बाय करके आप अपना मेकअप जो है वो आसानी से कर सकती हैं। ये आपके पैसे भी एक्चुअली बचाता है, क्योंकि आपको 3 अलग प्रोडक्ट नहीं बाय करने पड़ेंगे एंड आपके मेकअप किट का जो
स्पेस है उसे भी थोड़ा सा बचाता ही है, क्योंकि कहाँ आप 3 प्रोडक्ट स्टोर करेंगे, कहाँ आप सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट जिसे आप ऑन द गो भी यूज कर सकते हैं। आप बिगिनर हैं या आप अपना मेकअप किट बनाने के बारे में सोच रही हैं जिसमें आप कम से कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मेकअप किट बना सकें, तो उसके लिए ये फेस पैलेट जो है वो परफेक्ट है। बस देखना आपको ये है कि जो पैलेट आप सेलेक्ट कर रही हैं या जो शेड आप सेलेक्ट कर रही हैं वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जैसे कि ब्रॉन्जिंग शेड जो है या फिर आपका जो ब्लश है वो आपके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। सिर्फ आपको इतना नोटिस करना है, बाकी पैलेट जो है A1 है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इनका काजल, एंड ये है स्ट्रोक ऑफ जीनियस हैवी ड्यूटी कोल, जिसमें मेरा शेड है 01 बैक टू ब्लैक। इसके साथ आपको एक शार्पनर भी मिलता है जिसे आप इनके लिप क्रेयॉन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये काजल पेंसिल, मतलब अब तक की मैंने जितनी भी काजल पेंसिल ट्राई आउट की है उनमें नंबर 1 पे है। इसका जो प्राइस है वो है 499 रुपीज। आई नो एक काजल के लिए थोड़ा सा प्राइसी है, बट इससे भी प्राइसी काजल मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। वापस से आते हैं हमारे काजल की क्वालिटी पे। तो सुपर क्रीमी है, मतलब बटर की तरह आपकी वाटर लाइन में ग्लाइड होता है, एंड सुपर लॉन्ग लास्टिंग है। स्मज होता है ये, जैसे आपको अगर स्मोकी लुक क्रिएट करना है तो स्मज होता है ये, बट एक बार जब ये सेट हो जाता है तो उसके बाद ये स्मज नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा काजल है। एक्चुअली मुझे ये काजल जो है वो बहुत ही पसंद है। एक्चुअली मैं सिर्फ एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी, अगर ये काजल ट्विस्टेबल पेन में होता या इसकी जो पैकेजिंग है वो ट्विस्टेबल होती तो ज़्यादा अच्छी होती, क्योंकि शार्पन करने पे ना प्रोडक्ट थोड़ा सा वेस्ट होता है, और इतना अच्छा प्रोडक्ट अगर वेस्ट हो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ यही इसमें माइनस पॉइंट है, बाकी काजल जो है उसका कंपेरिजन या उसकी क्वालिटी का कंपेरिजन नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है शुगर कॉस्मेटिक के ब्रश। तो जैसे बहुत सारे मार्केट में ब्रांड अवेलेबल हैं मार्केट मेकअप ब्रशेस में, वैसे शुगर कॉस्मेटिक का भी खुद का मेकअप ब्रश है, एंड इनकी क्वालिटी का कंपैरिजन भी आप किसी भी मेकअप ब्रश से नहीं कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है ये है फेस ब्रश जो कि आपके ब्लश के लिए है, ये था आई थिंक 399 रुपीज़ का। तो अगर आप फुल सेट नहीं बाई करना चाहती हैं तो आप सिंगल भी बाई कर सकती हैं, स्पेशली आप फाउंडेशन के लिए बाई कर सकती हैं, कंसीलर के लिए बाई कर सकती हैं, या फिर आप अपने आई मेकअप के लिए मेकअप ब्रशेस बाई कर सकती हैं। बट शुगर कॉस्मेटिक के जो ब्रशेस हैं ना, इनकी क्वालिटी A1 है, ये बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल भी इनमें स्ट्रोक एक्चुअली नहीं बनता है। जैसे बहुत सारे मेकअप ब्रशेस मार्केट में ऐसे भी हैं जिनसे हम अगर फाउंडेशन कंसीलर या कुछ भी मेकअप अप्लाई करते हैं तो उनसे स्ट्रोक्स बन जाते हैं या ऐसे लाइंस ही बन जाती है, तो इनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए ये मेकअप ब्रशेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे। और अगर आपको अच्छे मेकअप ब्रशेस ट्राई आउट करने हैं तो आप शुगर कॉस्मेटिक को एक बार चेकआउट जरूर करें, आपको अपने लिए एक परफेक्ट जो ब्रश होते हैं वो जरूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है शुगर कॉस्मेटिक का अप टाउन कर्व लेंथनिंग मस्कारा, जिसमें मेरा शेड है 01 ब्लैक ब्यूटी, एंड इसका जो प्राइस है वो है 499 रुपीज। और ये मस्कारा मुझे क्यों पसंद है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली जब आप इसे ओपन करते हैं और आप इसका वॉन्ड देखते हैं, ये है इसका एप्लीकेटर या इसका वॉन्ड। आप इसमें थोड़ा सा कर्व देख सकते हैं जो कि इनर कॉर्नर के लिए, स्पेशली चाहे वो लोअर हो या अपर हो, इनर कॉर्नर के लिए बहुत ही अच्छी है। एंड इसके ब्रिसल्स इतने छोटे छोटे हैं जिनसे आप अपनी लोअर लैश लाइन को बहुत अच्छे से कोट कर सकते हो। नॉर्मली जो मस्कारा मार्केट में अवेलेबल है उनमें 90% मस्कारा ऐसे हैं जिनके वॉन्ड काफी मोटे रहते हैं, जिनकी वजह से लोअर लैशेस को कोट करना काफी टफ होता है, स्पेशली इनर कॉर्नर में। उनसे होता क्या है कि मस्कारा जो है वो स्किन में टच हो जाता है, चाहे वो यहाँ की स्किन में हो या फिर यहाँ की स्किन में, लेकिन स्किन में टच हो ही जाता है। बट इस मस्कारा के साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप इससे इजीली अपना मस्कारा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं बिना स्किन में टच किए। इस वजह से मुझे ये मस्कारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, एंड प्राइस भी इतना हाई नहीं है कि आप इसे ट्राई आउट ना कर सकें।
बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है जब हमारे हाथ थोड़े से मतलब कच्चे होते हैं और हम मस्कारा अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उस टाइम के लिए तो परफेक्ट है। आपकी लैसेस को अच्छे से लेंथ देता है, वाटरप्रूफ है और अच्छे से उन्हें वॉल्यूम देता है, एंड इससे ज़्यादा आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो एक मस्कारा से। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। तो लास्ट प्रोडक्ट है इनका शुगर कॉस्मेटिक का ब्लेंड द रूल्स आई शेडो पैलेट, और इसमें जो मेरा शेड है वो है 04 फेटिश, एंड ये है एक आई शेडो पैलेट जैसा कि पहले ही मैं शेयर कर चुकी हूँ, एंड इसका जो प्राइस है वो है 1199 रुपीज, जिसमें आपको एक फुल साइज का मिरर मिलता है, एंड यहां पे मिलते हैं आपके आई शेडो, जिसमें आपको एक मैट शेड एक सिमर शेड, मतलब मैट और सिमर दोनों शेड का कॉम्बो मिलता है, एंड आपको एक कंप्लीट आई लुक क्रिएट करने के लिए जितने आई शेडो शेड की जरूरत है वो सब इसमें। साथ इसमें आपको एक स्पंज टिप एप्लीकेटर भी मिलता है एंड एक छोटू सा ब्रश भी है। एक्चुअली इमरजेंसी में ये काम आ जाता है क्योंकि स्पंज टिप एप्लीकेटर जो होते हैं ये शिमरी या शाइनी शेड को अप्लाई करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इनसे बहुत आसानी से वो अप्लाई हो जाते हैं। एंड इसमें आपको 3 मैट शेड मिलते हैं एंड 5 जो हैं वो शिमरी या शाइनी शेड मिलते हैं। सुपर क्रीमी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं, बिल्कुल भी पैची नहीं है, थोड़ा सा बहुत नहीं हल्का सा फॉल आउट होता है, वो भी डिपेंड करता है कि आप आई शेडो ब्रश को इसमें कैसे पिक कर रहे हैं या कैसे डिप कर रहे हैं। अगर आप हल्के हाथों से करती हैं तो बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होगा, लेकिन अगर आप बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पिक करती हैं तो फॉल आउट हल्का सा होगा, बट हल्का सा अगर आप उसे डैप करके या टैप करके यूज करती हैं तो बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होता है। एंड मुझे ये आई शेडो पैलेट जो है वो बहुत ही पसंद आया एक्चुअली, क्योंकि इनका कलर स्कीम जो है वो बहुत ही अच्छा है। एक कंप्लीट लुक के लिए आपको जितने शेड की जरूरत पड़ती है वो सारे ही शेड इसमें हैं, और एक्चुअली इन्हें ही यूज करके ना आप अपनी आईब्रोज को भी फिल इन कर सकती हैं। कैमरे पे ये शेड जो है वो बहुत ही लाइट दिख रहा है, बट एक्चुअली ये इतना लाइट है नहीं, एंड काफी चॉकलेटी वाला ब्राउन शेड है जिसे आप अपनी आईब्रोज को भी फिल इन कर सकती हैं, या फिर आप उसे एज अ कॉन्टोर या एज अ ब्राउनिंग शेड यूज कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है, अगर आप ट्राई आउट करना चाहती हैं तो डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकती हैं, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तब तो आपके लिए कंप्लीट आई शेडो पैलेट है ये। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया शुगर कॉस्मेटिक के टॉप 6 मेकअप प्रोडक्ट या प्रोडक्ट जो कि रीजनेबल भी हैं एंड बेस्ट क्वालिटी के भी हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जिसे आपने भी ट्राई आउट किया है और आपको वो प्रोडक्ट कैसा लगा मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। Bye.